आपने जो कमाल किया है मैं देख रहा हूं, वहां ऊपर तक पीछे लोग दिख रहे हैं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा। ऐसा प्यार, इतने आशीर्वाद, मैं जितना आपको नमन करूं उतना कम है। मैं कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि आप सुबह सुबह और इतने दूर सुदूर क्षेत्रों में, वो भी दिवाली रहे दूसरे तीसरे दिन, ये बहुत बड़ा कमाल का काम आप कर रहे हैं। आप सबको मेरा शत शत नमन। ये एक तरह से एमपी के चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल शाम को प्रचार अभियान पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं कल भगवान बरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर हूं। कल उनका जन्मदिवस है और कल झारखंड का भी जन्मदिवस है, और इसलिए कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और इसलिए एक प्रकार से आज का दिवस इस चुनाव अभियान का मेरा मध्य प्रदेश का आखिरी दिवस है, और उस समय आपने ये कमाल करके दिखाया है, ये मेरे लिए यादगार दृश्य है जी। बीते दिनों मैं राज्य के कोने कोने में गया हूं, भाजपा के प्रति जो स्नेह है, जो विश्वास है, वो अभूतपूर्व है। आपके इस उत्साह ने, इस जोश ने मध्य प्रदेश में तय कर दिया है, फिर एक बार मध्य प्रदेश के मेरे भाई बहन, 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मेरे परिवारजनों, जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को
भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि तीन तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है, ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, हर वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और सीने के चोट पर डंके की चोट पर करते हैं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है,
और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। ये भाजपा सरकार ही है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। ये क्षेत्र सरदार गंजन सिंह कोरको और सरदार विष्णु सिंह गौंड की भूमि है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भाजपा सबसे आगे बढ़कर काम करती है। मेरे गरीब भाई बहनों की चिंता को समझते हुए हमने मुफ्त राशन की योजना लागू की। आपको याद होगा, कोरोना के समय कितनी भयंकर स्थिति थी, मौत मंडरा रहा था, दुनिया भर से मौत की खबरें आती थी, परिवार में भी डर रहता था कि अगर बेटा बीमार है तो मां उसकी मदद नहीं कर सकती थी, मां बीमार है तो बेटा उसकी मदद नहीं करती थी। ऐसा संकट पूरी दुनिया ने झेला, हम भी उन मुसीबतों को झेलते थे। घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा बन गया था। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी चैन से बैठ नहीं सकता है। मेरे देशवासियों को मैं उनके नसीब पे छोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, समझ दी, उस काम को करने में मैं अपनी पूरी शक्ति खपा देता हूं। और तब जाकर के मैंने निर्णय किया था, कुछ भी हो जाए, किसी के भी घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब के संतान भूखे सोने नहीं चाहिए। किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए।